ओह माय गॉड, बिल्कुल वाकई में GTA 5 के अंदर एलियन है। तो जी हाँ भाई और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल चौपाटी पर। और आज की वीडियो में हम और आप मिलकर एक एलियन को ढूंढेंगे जो कि नॉर्थ यंगटन के टाउन के अंदर मौजूद है, और ठीक हमारे पीछे है ब्यूटीफुल नॉर्थ यंगटन। तो लॉन्ग जंप मार के सीधा बिल्डिंग के ऊपर ही चढ़ जाएंगे। वो इतनी ऊंची लॉन्ग जंप मारता मुझे पता भी नहीं था। डैम यार, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना तो बनता है यार। अरे चढ़ जाओ ऊपर, मैं काम करता हूँ, पीछे से आके ना लॉन्ग जंप मार के सीधा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। हुप और लीजिए। तो ये है भाइयों हमारा ब्यूटीफुल नॉर्थ यंगटन का टाउन, जहाँ पे दूर दूर तक आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। तो एक बार फिर से आपका इस वीडियो में पटाखों के साथ स्वागत करता हूँ। तो चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पे हाई जंप मार के नीचे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। मैंने नोटिस किया था कि आप एक दरवाजे के अंदर भी जा सकते हो, पता नहीं कौन सा दरवाजा था, मुझे याद नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से ये कोने वाला दरवाजा होगा, यहाँ से आप अंदर भी जा सकते हो। नहीं ये था। अरे बाप रे, हेलो, कैसे हो, कोई है कि नहीं है यहाँ पे? अरे इस बत्ती को देख रहे हो यार, इतना घूम रही है, तुझे चक्कर नहीं आते? तो ये बत्ती को मैं फोड़ता हूँ। एक काम करता हूँ, बजूका निकाल के बत्ती को फोड़ दे। ओ माय गॉड, फोड़ना बत्ती थी और फट कोई और गया। मैं काम करता हूँ, दीवार को फोड़ता हूँ। यहाँ पे ट्रेसी क्या करती है, दफा हो यार, लगता है फिर से कहीं पे मुंह काला करा रही होगी ट्रेसी अपना। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे कोशिश करता हूँ मैं बजूका मार के दरवाजे को तोड़ दूँ, लेकिन दरवाजा यार फौलाद का बना हुआ, बिल्कुल हिल ही नहीं रहा। एनीवेज तो चलते हैं गेम की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया है कि हम यहाँ पे एक एलियन को ढूंढने आए हैं जो कि बर्फ की अंदर ट्रैप है। तो हम उस एलियन को ढूंढेंगे ही नहीं, उसको बाहर भी निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मुझे बताया गया था कि लास्ट वीडियो में जब मैंने नॉर्थ यंगटन का फ्री रोमिंग किया था, तो आप भाइयों ने बहुत कॉमेंट की थी और आपने बताया कि राइट की जगह लेफ्ट मोड़ना। तो अभी हम लेफ्ट मोड़ चुके हैं, लेकिन लेफ्ट दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल आगे तो अब रोड भी नहीं है, ये रोड ही ख़त्म हो चुका है। अगर मैं आगे जाऊंगा तो बिल्कुल पानी में गिर जाऊंगा डेफिनेटली। तो आगे रोड ही नहीं है। तो मैं काम करता हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने जो फ्री रोमिंग की थी गाड़ी से की थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है कि अगर हम इस वीडियो में चॉपर के साथ फ्री रोमिंग करें तो हम नॉर्थ यंगटन का मज़ा बिल्कुल चॉपर से ले सकते हैं। तो ये आइडिया एकदम ज़बरदस्त लेवल का है। तो मैं काम करता हूँ, अभी मैं चॉपर स्पॉन नहीं करूँगा। तो पहले मैंने कोशिश करनी है कि एलियन को ढूंढना है कि एलियन कहाँ पे था। मुझे उम्मीद है कि वो लोकेशन मुझे याद में होगी, लेकिन यार यहीं पे कहीं था यार। मुझे याद है कि ब्रिज के नीचे था, गाड़ियों वाला ब्रिज था कि ट्रेन वाला ब्रिज था, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे लोकेशन उसकी याद है। किसी बंदे ने मुझे बताई थी कि ब्रिज के नीचे बिल्कुल उसका बर्फ़ के अंदर वो मतलब कि कैद है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये क्या है। उधर तो नहीं, उधर कुछ नहीं हो सकता। तो बिल्कुल ठीक, हमारे सामने एक ब्रिज आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी ब्रिज के नीचे वो एलियन जिसको हम बेरहमी से ढूंढ रहे हैं, तो वो इसके नीचे होना चाहिए। लेकिन अभी ब्रिज के नीचे अभी हम नहीं आएंगे, मैंने बिल्कुल आखिर में जाना है, मुझे जगह देखनी है। अरे चूहा, व्हाट्स गोइंग ऑन चूहे भाई, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये अभी तक खड़ा है बर्फ़ के अंदर यार। अरे कोई शॉल वगैरह इसके ऊपर डाल लो यार, बत्ती वगैरह चला दो। ओके ट्रेसी फिर से आ गई। ओह माय गॉड, ट्रेसी नहीं छोड़ दी, मैं फटाफट इसकी फ़ोन उठा के काट देता हूँ, दफा हुआ परे मर। एनीवेज तो यहाँ पे आपको याद होगा कि जैसे ही हमने यहाँ पे गेम लगाई थी तो हमारी गाड़ी यहाँ पे क्रैश हो गई थी, और हमने यहाँ पे स्लो मोशन में गाड़ी चला रहे थे हम यहाँ पे। तो मैं फिर से वहीं स्लो मोशन में एक गाड़ी चलाता हूँ, और दफ़ा करो, मुझसे स्लो मोशन वाले काम मत करवाया करो भाई, आपको मैंने हज़ार बार ही कहा है स्लो मोशन वाले काम मुझसे नहीं होते। हमारे पास एक स्पेशल सुपर पावर है, और हम उस सुपर पावर की मदद से एक फटाफट अपना एक चॉपर स्पॉन करते हैं, और नॉर्थ यंगटन का मज़ा हम ऊपर से लेते हैं। कहाँ पे है हमारा चॉपर, ये रहा बिजर्ड चॉपर, इज़ द बेस्ट चॉपर। इसकी हैंडलिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। तो काम करते हैं, बिल्कुल आखिर तक जाना है। आपको याद होगा कि आखिर में एक फट्टा सा लगा हुआ है, तो हम उस फट्टे को पार नहीं कर सकते। तो मेरे दिमाग में अभी एक ख्याल आया है कि क्या हम उस फट्टे को आसमान से पार कर सकते हैं, कि वो सिर्फ गाड़ियों में भी मतलब कि आसमान में भी फट्टा हमें नज़र आएगा कि नहीं आएगा, मतलब कि एक इनविजिबल बैरियर है जो कि हम पार नहीं कर सकते गाड़ी में अगर हम जाएंगे। तो चलिए लेकिन देखते हैं कि वो बैरियर हमें आसमान से नज़र आता है कि नहीं आता। ओके ये सारे घर मुझे एक ही जैसे लग रहे हैं, और बिल्कुल छोटा सा टाउन है यार नॉर्थ यंगटन, बहुत ही लगता है कि अलास्का की वादियों में
जी हाँ, अलास्का की वादियों में ये टाउन की लोकेशन मुझे डेफिनेट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोकेशन देख के मैं अपने अंदाजे से मैं कह सकता हूँ कि ये अलास्का ही होना चाहिए। यहीं कहीं वो बैरियर है, मेरे ख्याल से ये जो बैनर होटल है ना, इसके पीछे एक इनविजिबल बैरियर है जो कि हम पार नहीं कर सकते, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चॉपर के अंदर तो वो बैरियर पास कर ले। मैं नीचे होकर कोशिश कर रहा हूँ कि वो बैरियर सिर्फ गाड़ी में दिखता है कि चॉपर में दिखता है, क्या पता उस वीडियो में कोई ग्लिच हो। ले लीजिए लीजिए, बिल्कुल टाउन ही ख़त्म हो चुके, अब तो आगे कुछ है ही नहीं। कहाँ पे जा रहा हूँ यार, इस वीडियो में कुछ समझ में ही मुझे नहीं आ रही। मुझे पता एलियन को ढूंढना है, लेकिन हम कुछ किसी और काम में भी मतलब कि व्यस्त हो चुके हैं भाई। लगता मतलब बस थोड़ा सा ही रास्ता बचा, लेकिन लगता आगे कुछ भी नहीं होगा। आई थिंक आगे मैं जाऊँगा तो मेरी गेम क्रैश हो जाएगी, तो लेट्स नॉट गो दैट वे। तो चलिए अभी हम चलते हैं माइकल की कब्र की ओर और देखते हैं कि माइकल की कब्र का नज़ारा ऊपर से हमें कैसे नज़र आता। और बाप रे, बिल्कुल नीचे से मैं हेलीकॉप्टर लेके जा रहा हूँ। ऐसे हेलीकॉप्टर को चलाने में मुझे बहुत मज़ा आता है यार, यू नो, अमेजिंग थिंग। तो अभी हम एक काम करते हैं, एक बिल्डिंग के ऊपर हम चॉपर को खड़ा करते हैं। लगता है मुझे बिल्डिंग के ऊपर चॉपर खड़ा करना अलाउड नहीं। ओबे बच गया। मुझे लगता है कि बिल्डिंग के ऊपर चॉपर खड़ा करना अलाउड नहीं होगा, लेकिन हम बिल्कुल आराम से चॉपर को यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर खड़ा करते हैं और एक बारी ऊपर से भी नॉर्थ यंगटन के छोटे से विलेज का ऊपर से नज़ारा लेते हैं। तो लीजिए, वाव, व्हाट एन अमेजिंग प्लेस यार। तो हमारा गांव भी ऐसे ही छोटा सा एक गाँव है पहाड़ों के बीच में जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो बिल्कुल इतना छोटा भी नहीं है, मतलब कि बड़ा है, लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट वेयर आई लिव। ओके, तो बिल्कुल ठीक, हमारे पीछे एक चर्च है जहाँ पे वो माइकल का जो दोस्त था, मुझे हमेशा लगता था कि ये माइकल की कब्र है, लेकिन मुझे आप लोगों ने बताया कि माइकल की कब्र नहीं है, वो माइकल का जो दोस्त था जो पहली हाइस्ट में मारा गया था, ये उसकी कब्र है। तो चलिए एक बारी उसकी कब्र पे भी मतलब कि सॉरी बोल के आ जाते हैं। और हमें क्या करना है यहाँ पे, अंडे लेने हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ और ये री, तो बिल्कुल वही लोकेशन है जो कि गेम की शुरुआत में हमें दिखाई थी, बिल्कुल एकदम डिटो वही लोकेशन है। तो मैं बिल्कुल नीचे नहीं जाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक ग्लिच है। अगर हम नीचे जाओगे तो बिल्कुल नीचे ज़मीन के अंदर ही पहुँच जाओगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओ, ओ, फंस गया। ओके, लेट्स स्लोली गो डाउन स्लोली। ओ देखा देखा, बिल्कुल नीचे हमारा चॉपर को खींच लेता है, तो मैं नीचे नहीं जाएंगे। तो चलिए, ये बेकार की मगजमारी हमने शुरू कर ली है नॉर्थ यंगटन की, इसे हम पीछे छोड़ते हैं। और चलिए, जो काम हम यहाँ पे करने आए हैं, जो एलियन को ढूंढने वाला काम, जो एलियन को ढूंढने वाली जो वीडियो हमने बनाई है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो लीजिए भाई, नॉर्थ यंगटन एप कर आपको ऊपर से भी मैं दिखा देता हूँ। मैं बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक दैट्स इट फॉर नॉर्थ नॉर्थ यंगटन टूर। तो चलिए नीचे लेके जाते हैं चॉपर को, और एक बार फिर से ज़मीन की से टच करते हुए, जी हाँ, ज़मीन से टच करते हुए हम चॉपर को लेके जाते हैं ब्रिज की ओर, जहाँ पे एलियन देखा गया है। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन एलियन की तो पता नहीं है, मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि ब्रिज के नीचे, बिल्कुल ब्रिज के नीचे, ट्रेन ब्रिज या कार ब्रिज के नीचे एलियन का मतलब बर्फ़ के अंदर छुपा हुआ है, तो वहाँ पर उसको ढूंढना है। नदी के अंदर है, फ्रोज़न नदी। तो चलिए बिल्कुल ठीक, वहीं पे चल रहे हैं और फ्रोज़न नदी के ऊपर थोड़ी बहुत गश्त मार लेते हैं कि एलियन कहाँ पे होगा। दो ब्रिज हैं मेरे सामने, एक ब्रिज वो रहा और एक ब्रिज ये रहा, पता नहीं कौन से। मैं काम करता हूँ, मैं इस ब्रिज के ऊपर चॉपर को खड़ा कर देता हूँ, और बिल्कुल जहाँ से नदी शुरू होती है ना, मैं अपनी रिसर्च वहीं से शुरू करता हूँ। अरे क्या मस्त लेवल की लैंडिंग है हमारी चॉपर की यार, एकदम मज़ा आया था चॉपर को उड़ाने में और लैंड करने में। तो नदी की बिल्कुल सर के बल बच गया। मुझे लगा था कि बिल्कुल सर के बल हम गिरेंगे। तो बिल्कुल पीछे चलते हैं, सबसे पीछे चलते हैं, और मैं अपने हाथों में कुछ नहीं पकड़ता, राइट, बजूका पकड़ लेता हूँ, नहीं असॉल्ट राइफल, ठीक है। क्या पता कोई एलियन मुझे नीचे से पकड़ ले, क्या पता मेरे पैर पकड़ ले, क्या पता मुझे बर्फ़ के अंदर धकेलने की कोशिश करे, तो मेरे पास बचाव के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो चलिए भाइयों, एलियन की ढूंढने की रिसर्च यहीं से शुरू करते हैं, और मेरा दिल थोड़ा बहुत फास्ट तरीके से धक धक कर रहा है यार। मैंने कभी एलियन देखा नहीं है, मैं बहुत घूर के नीचे से देख रहा हूँ यार। अगर आपको कुछ दिखे तो फटाफट कॉमेंट सेक्शन में लिखिए कि भाई आपने मिस कर दिया एलियन को, लेकिन लगता है अभी तक तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा एलियन कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है। ओ मिल गया मुझे, ओ ओ माय गॉड, आपने देखा एलियन को, डैम, पीछे मुड़ पीछे मुड़, आई थिंक मैंने उसका सर देखा, मैंने उसका सर देखा अभी। कहाँ पे है, कहाँ पे है ये रहा।
ओ माय गॉड, बिल्कुल वाकई में GTA 5 के अंदर एलियन है। वाव, अरे बाप रे, कितना डरावना दिखता है यार ये। अबे बाहर निकलने की, लगता है इसका जो स्पेसशिप था वो यहीं पे कहीं क्रैश हो चुका है और ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है। देखिए बिल्कुल कोशिश कर रहा है कि बिल्कुल बाहर आ जाऊं, लेकिन ठंड के कारण जो है पानी जम चुका है और ये बाहर आने में इसको नाकामयाबी हासिल हुई है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी हम इसको बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हम अपना ग्रेनेड लॉन्चर यूज़ करेंगे और देखते हैं कि ग्रेनेड लॉन्चर से बर्फ़ पिघलती है कि नहीं पिघलती। क्या हुआ, कुछ तो डैमेज हुआ होगा यार, तीन लॉन्चर्स हमने मारे हैं, कुछ नहीं हुआ। बजूका ले कर लो बात, हिला भी नहीं, बिल्कुल आंच तक, खरोच तक, एक स्क्रैच तक उसके ऊपर नहीं पड़ा यार। एक और ले उससे भी कुछ नहीं हो रहा। एक काम करता हूँ मैं, ये स्टिकी पम्प लगाता हूँ इसके ऊपर। स्टिकी पम्प काम आएगा। अरे बाप रे, लगाते ही फट गया। रुक तो सही ना, एक काम करता हूँ, ये आग को बुझने का थोड़ा बहुत वेट करता हूँ, बिकॉज आग जो है स्टिकी बॉम्ब को एक्टिवेट कर रही है। तो लेट्स जस्ट वेट अ लिटिल व्हाइल एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके लगा, स्टिकी बॉम्ब लगा, एक मैं काम करता हूँ, 5-10 लगा लेता हूँ, एक से क्या होगा, 2 3 और लगाते हैं स्टिकी बॉम्ब। इसको मैं आज बाहर निकाल के रहूँगा, पता नहीं 400 साल से यहीं पर दफन है। तू आज बाहर निकल लेगा एलियन, तू टेंशन मत कर, तुझे मैं आज बाहर निकाल के रहूँगा। राइट, 4 कितने हो गए, बहुत सारे हो गए यार, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्टिकी बम हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, 12 भी गए, 13 भी गए और 14 स्टिकी बम हम लगा चुके हैं। एक यहाँ पे भी लगा लेते हैं यार, मतलब ये जगह थोड़ी बहुत खाली खाली सी लग रही है। और लीजिए बिल्कुल 15 स्टिकी बॉम्ब्स हम यहाँ पे लगा चुके हैं, और मुझे लगता है कि 15 स्टिकी बॉम्ब्स ज़्यादा होंगे, इनफ होंगे। मैं काम करता हूँ, मैं बजूका मारता हूँ तो बजूका भी फट जाएगी और स्टिकी बॉम्ब्स भी फट जाएंगी। क्या मस्त लेवल का धमाका हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, अरे यार बिल्कुल खरो, एक स्क्रैच भी इसके ऊपर नहीं पड़ा, ये क्या हो रहा है। मैं काम करता हूँ, हथगोला मारता हूँ, 2 मैंने मारे हैं, दूसरा भी फटा, बिल्कुल हिल ही नहीं रहा। और हमारे पास क्या है, ये मैं काम करता हूँ, पेट्रोल बोतलें मार के बर्फ़ को पिघाल देता हूँ, पिघल पिघल। अरे इतनी आग जल रही है यार, कुछ तो पिघलना चाहिए यार, इतनी खतरनाक लेवल की आग चल रही है, कुछ तो पिघालो यार, ये हो क्या रहा है आखिर गेम के अंदर यार। इतना तो नहीं हो सकता यार, मैंने बजूका मार दी, स्टिकी बम्स मार दी, ग्रेनेड लॉन्चर मार दी और कुछ हुआ ही नहीं यार, बिल्कुल हिला भी नहीं यार, एक स्क्रैच तो डाल दो कम से कम। मैं भाई एक काम करता हूँ, मैं स्नाइपर निकाल के एलियन को करीब से देखने की कोशिश करता हूँ, लगता तो मुझे बहुत डरावना है यार, एक बारी करीब से देख लेते हैं। कहाँ पे गया, ये रहा, ओके, ओह माय गॉड, बड़ा गुस्से में है यार। अरे इतना गुस्सा नहीं करता ठाकुर साहब, इतना गुस्सा नहीं करते। अरे बाप रे, आंखें देखो एकदम लाल है उसकी यार, वाह। अरे बाप रे, मुझे नहीं लगा था कि यार, मुझे बताया गया था कि यहाँ पे एलियन है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया, तो अभी पहली बारी में ये एलियन देख रहा हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं ब्रिज के ऊपर से जाके इसको स्नाइप करता हूँ, क्या पता वहाँ से बाहर आ जाए। हाँ ऐसा हो सकता है, ओए बच गया, ओके। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्लान भी हमारा चौपट हो जाएगा, हम हज़ारों प्लान GTA में बनाते हैं और हज़ारों के हज़ारों प्लान यहीं पर चौपट हो जाते हैं। तो कहाँ पर है मेरी स्नाइपर, देखियो थोड़ा बहुत मुझे आगे होना, ओ, ओ, नहीं गिर पड़ा बिल्कुल सर के बल। अरे यार एक और प्लान हमारा चौपट सा हो चुका। अरे बाप रे, ओए होए होए, वो छाती देखो इसकी, ओए बॉडी बिल्डर एलियन लग रहा है हमारा ये। अजी कैसे हो, अंदर घुसा कैसे, तो पहले मुझे ये बता तू अंदर गया क्यों। दांत देखो कितने पीले पीले हैं, 400 सालों से लगता है इसने ब्रश नहीं किया, अबे ब्रश तो कर लिया कर। ओके तो भाइयों ये था हमारा एलियन, तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड नहीं करूँगा, बिकॉज अभी हम नॉर्थ यंगटन पे आ चुके हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि मुझे पुलिस चेस करे यहाँ पे, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे पुलिस कैसे आएगी। और पुलिस बुलाने के लिए आपको पागलों की तरह गोलियाँ मारनी है, मतलब किसी चीज़ को भी गोली मार दो तो पुलिस यहाँ पे आ सकती है। मैं एक काम करता हूँ, मैंने देखा कि अगर आप गाड़ियाँ वगैरह फोड़ते हो तो तब भी पुलिस आपके पीछे आ जाती है, तो मैं काम करता हूँ ये ट्रैक्टर बुलडोजर मैंने स्पॉन कर लिया यार। हजारों तरीके के ऑप्शंस हैं इस मोड के अंदर, लेकिन मैंने बुलडोजर स्पॉन करने। तो हम बुलडोजर के ऊपर अत्याचार करते हैं, तो देखते हैं कि हमारे साथ हमारे पास पुलिस आती है कि नहीं आती, लेकिन फिलहाल तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे यार।
ओह माय गॉड, तो लगता है हमारा प्लान एक बार फिर से चौपट होने वाला है। काम करता हूँ मैं, गाड़ियाँ स्पॉन करता हूँ एकदम, 15-20 गाड़ियाँ स्पॉन कर दो। हाँ तो इतनी काफ़ी रहेंगी पुलिस को बुलाने में, राइट। तो अभी हम बाहर निकलते हैं, तो ऐसे मैंने अगर ऐसे अगर लाइन पे गाड़ियाँ हम फोड़ें तो एक ही बुलेट के अंदर सारी गाड़ियाँ फट जाएंगी। वो शिट, कुछ भी नहीं हुआ यार। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ यंगटन में पुलिस का आना नामुमकिन है, और प्लान हमारा जो कि था कि पुलिस को बुलाना है, जो कि पुलिस चेस करना है नॉर्थ यंगटन में, एकदम बढ़िया तरीके से चौपट हो चुका है। मतलब कि एकदम धज्जियाँ उड़ चुकी हैं प्लान की, हमारी नॉर्थ यंगटन का जो प्लान था। तो चलिए कोई बात नहीं, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और लीजिए हमारा ब्यूटीफुल नॉर्थ यंगटन का टाउन, जहाँ पे GTA में कोई भी नहीं रहता, बिल्कुल एम्प्टी टाउन है, इतनी सुनहरी इतनी मस्त जगह, और यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। ये तो बड़ी मतलब कि अच्छा नहीं किया रॉकस्टार ने। एनीवेज, तो ये उनकी गेम है, वो जो मर्जी करे कर सकते हैं। और एलियन ढूंढने का जो मिशन था हमने सक्सेसफुली पार कर लिया, हमने सक्सेसफुली एलियन को ढूंढ लिया, और वाकई में GTA 5 में एलियन है। तो आप लोगों ने बताया, थैंक यू वेरी मच। अगर मैं कोई चीज़ मिस कर लेता हूँ तो आप मुझे प्लीज बता सकते हैं। दैट्स ऑल आई गॉट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एवरीवन, एंड बाय बाय।